19वीं शताब्दी अमेरिका। ये वो वक्त था जब सब लोग वेस्ट की तरफ जा रहे थे ताकि नई जगह पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि अब तक कोई कानून नहीं बना था, इसलिए हर कोई बॉस था। मिका के एक बहुत बड़ा अपराधी जो अब नहीं रहा, इसके सर पर 20,000 रुपए थे। चलो मुझे तो यकीन ही नहीं होता होना था। आह, ये पैसे मेरे हुए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो शिनचैन? अरे ये तो बहुत खतरनाक सांप है और ये गुस्से में लग रहा है बेटा। ओहो, आपको गुस्सा आ रहा है? तुम बिल्कुल मत हिलना, मुझे लगता है ये जहरीला है। मैं कुछ करता हूँ। कैसे हो मेरे दोस्त? अरे मैंने कहा हिलो मत शिनचैन। निकल क्यों नहीं रही? आपने तो सच में कमाल कर दिया, हम आप जैसे ही लोगों को ढूंढ रहे थे। वैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे गाँव आए और हमें बचा लें। वो बहुत ही खतरनाक है, उनका नाम है गामे चीनी गैंग। ठीक है, पर हम तो कहीं और जा रहे थे। उनकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। आप उन्हें हरा दीजिए, आपको हम इनाम देंगे। पर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मैं कैसे करूँगा? अब आएगा मजा, ले चलो अपने गाँव। आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर आए। हमें गामे चीनी गैंग के बारे में बताइए। इनके गैंग में करीब 20 से 30 लोग जरूर होंगे। इतने सारे 20 से 30 लोग? अगर हम उन्हें पकड़ लेंगे तो क्या आप हमें इनाम देंगे? इनाम के तौर पर हम आपको देंगे चावल और दाल। कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखिए बात यह है कि वो हमारा सारा पैसा लेकर जा चुके हैं, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखिए बात पैसों की नहीं है, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। आप उन लोगों के बारे में सुनो गांव वालों, वो लोग आने वाले हैं, जल्दी से घर की ओर भागो। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? सुनिए गांव वालों, आप सब लोग घरों के अंदर चले जाइए और बाहर मत आइएगा। अब हम क्या करेंगे हैरी? अरे देखो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वैसे दाल और चावल भी काफी होते हैं। इच्छी तुम ऐसा करो, शिनचैन को लेकर अंदर चली जाओ। हाँ मैं समझ गई, लेकिन शिनचैन गया कहाँ? लगता है आज हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे नहीं, अब तो मेरी बारी है, अब देखता हूँ। अरे निशाना क्यों नहीं लग रहा? क्या लगता है गांव वालों को कि ये लोग उन्हें बचा लेंगे? ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक लड़की, एक बच्चा और एक आदमी, ये लोग कर क्या लेंगे मेरा? अभी यहाँ से निकलना चाहिए। चलो गाँव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मत समझना कि मैं डर गया। मैं कल फिर से आऊंगा और कल तुम सबको सबक सिखाऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं बताऊंगा कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। इसकी सजा सबको मिलेगी। चलो सब। घायल हो गई है, मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग उन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। आप लोगों को ये बात सुनकर बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन सच ये है कि हम लोग जा रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों का जैसा मन करे वैसा करे। बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है, लेकिन माफ कीजिएगा। अच्छा एक
बात बताओ, जहाँ तुम रहते हो वहाँ भी बुरे लोग रहते हैं क्या? बुरे लोग तो नहीं है, पर वहाँ पर कॉकरोच बहुत है। अरे वाह, मैं भी हमेशा से ऐसी जगह पर रहना चाहती हूँ। तो तुम अपने डैड को कहकर किसी ऐसी जगह पर चली क्यों नहीं जाती? मेरे डैड यहाँ नहीं है, वो यहाँ से दूर किसी और शहर में काम करती हैं। मुझे इस बात का डर है कि कहीं कल वो लोग उस गांव को उजाड़ ना दें। लेकिन अगर हम वहां रहते तो भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं भी ऐसी शांति वाली जगह पर रहना चाहती हूँ। रुकिए, हमें वापस चलकर उनकी मदद करनी होगी। शिनचैन, ये तुम क्या कह रहे हो? रुक जाओ बेटा, आप में से कोई नहीं आ रहा तो मैं चला। दोस्त, तुम्हें रास्ता पता है ना? चलो। अरे वापस आ जाओ। शिनचैन रुक जाओ बेटा। हैरी, आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से चलकर शिनचैन को रोकिए ना। चलिए ना हैरी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। उस छोटे से बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी, हमें भी चलना चाहिए। हाँ, क्या कहा तुमने? मैं शिनचैन का साथ दूंगी, आप लोग सोच लीजिए आपको क्या करना है। आप क्या सोच रहे हैं हैरी, जल्दी से चलिए ना। निशाना चूक गया, क्योंकि उल्टे हाथ से बहुत मुश्किल होती है निशाना लगाने में, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। अरे वो लोग वापस आ गए, देखो। अरे मारो, 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 मारो। लगता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। छोड़ दो मुझे। आखिर ये बच्चा कहाँ चला गया? अरे छोड़ दो मुझे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ो मुझे। अच्छा तो तुम हो, सामने भी देख लो। हाय, तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। चलो शाबाश, अब तो गए। ये बात, मैं हूँ एक काउबॉय और मैं अब इन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं जानता हूँ मित्र। ये क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन भागना चाहिए। भागो, भागो। लगता है लोग मुझसे डर गए। अब मैं कौन सी जगह पहुंच गया? ये आदमी जबरदस्ती महल में घुसा है, इसे पकड़कर राजा के पास ले चलो। आदेश का पालन। तुम्हारे कितने साथी हैं, हमको बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को नहीं जानता, छोड़ दो मुझे। तो इस तरह गेम चीनी गैंग खत्म हो गया, बाकी गैंग के लोग भी पकड़े गए। गांव वाले फिर से शांति भरी जिंदगी जीने लगे। क्रिस और नोहारा परिवार को कुछ खाने का सामान मिला और ये लोग अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। अच्छा बताओ शिनचैन, सूप कैसा लगा है तुम्हें? डैड आपने बहुत ही टेस्टी बनाया है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। देखो तो जरा मिट्सी, शिनचैन आज कितने दिनों के बाद अच्छे से खाकर सो रहा है, अच्छा लग रहा है ना? हैरी, एक बात बताइए, हम लोग कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? हम हमेशा के लिए ऐसी जगह क्यों नहीं रह सकते जहाँ पर शांति हो? देखिए शिनचैन अब बड़ा हो रहा है, हमें उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। ऐसी जिंदगी में कुछ नहीं रखा,
और इस तरह आप भी वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं हैरी। अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं अमित सिंह, मैंने सब सोच लिया है। ये देखो, ये वांटेड गैंग है जो ट्रेनों को लूटते हैं। इनके ऊपर 10 लाख का इनाम है। इन्हें पकड़कर हमें 10 लाख मिलेंगे और उन पैसों से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने फिर से एक नया प्लान बना लिया हैरी, यानी कि तुम्हें याद नहीं कि हमने कैसे गेम चीनी गैंग को हराया था मित्सी? याद करो। लेकिन हैरी उस वक्त हमारे साथ क्रिस भी थी। मित्सी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मेरा निशाना भी बहुत बढ़िया हो गया है। मैं एक साथ 3-4 आदमियों को आसानी से संभाल सकता हूँ। बस तुम एक बार हाँ तो कहो और फिर देखो। इन पे ध्यान न दे। एक बात बताओ, हम तीनों छत के ऊपर क्यों हैं? बात ये है बेटा कि हमारे पास पैसे नहीं थे टिकट के लिए। क्या आपको लगता है कि अगर हम ऐसे सफर करेंगे तो हम उन ट्रेन के लुटेरों से मिल पाएंगे हैरी? अगर वो लोग ट्रेन का पीछा करेंगे तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मॉम डैड उधर देखिए। साथियों हमें इस ट्रेन को लूटना है, जल्दी करो। मैं तो ट्रेन पे चढ़ गया। कौन हो तुम? मैं हूँ क्रिस और मेरी उम्र है 27 साल। मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ और मेरे रहते तुम इस ट्रेन को नहीं लूट सकते। ऐसा क्या? पहले इससे बचो। अरे बच्चा मुझे पानी से डरा रहा है। ये पानी नहीं है, वो है। कैसा लगा मेरा ये स्टंट? अरे मिस्टर नुहारा, देखें कोई बचा है या गए सब। कोई है क्या? सामने आओ। हाँ हैरी कभी नहीं सुधरेंगे, हमेशा ओवर एक्टिंग करते रहते हैं। अरे वहाँ पर क्या है? ये तो खुल गया। इतने सारे पैसे। सुनो, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। मैं ये सारा खजाना लेकर जाऊंगा, नहीं तो अब क्या करें हम? कितने सारे पैसे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन में हमारे साथ और लोग भी हैं। हेलो दीदी, हम यहाँ हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, मैम आपको पता है दीदी और डैड हमें छोड़ के चले गए। अरे शिनचैन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये सारा पैसा हमारा है, सोचो मत, इसका दरवाजा उड़ा दो। जी सरदार। अरे ये मेरे पास कैसे? ये लो। अरे नहीं। शिनचैन, शिनचैन। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मित्सी। आप मित्सी? इतने सारे पैसे। सारे पैसे जल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरे 10 लाख रुपए थे। क्या 10 लाख रुपए थे ये? इसका मतलब 10 लाख में से बस इतने ही बचे हैं, बाकी जल गए। ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। देखो पापा भी काम पर चले गए हैं, जल्दी उठो चलो। अरे मैं ये कहाँ आ गया? लगता है तुम सपना देख रहे थे। तुम घर पर हो बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि हम कहीं और हैं बेटा? गुड मॉर्निंग मिसेस नोहारा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग क्रिस मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
तो नोहारा परिवार ने उन पैसों से अपना एक घर ले लिया है जो उन्हें कालिया को पकड़वाने से मिले थे। यानी अब सबकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो गई है। ठीक तो है ना? हैरी भी अपनी काउबॉय की जिंदगी में अब वापस लौट गए हैं। उधर क्रिस ने भी एक नई नौकरी कर ली है। अब वो बच्चों की घोड़ा गाड़ी चलाती है और बच्चों को स्कूल लेकर जाती है और उनकी छुट्टी होने तक वही उनका इंतजार करती रहती है। क्रिस मैडम, आइए ना मेरे साथ डांस करिए। आती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको कहानी सुनाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं था। अरे बोलो, क्या बात है? इधर आकर हमारे साथ डांस कीजिए ना। आइए सर। क्वांटम रोबो को कोई नहीं हरा सकता।